ऐतिहासिक कंस मेला में कोतवाली के सामने बार बालाओं की लगी जमकर ठुमकी। दर्शकों ने बरसाई नोटों की गड्डियां, तो वहीं कुछ लोगों के बीच हुई हाथापाई। आपको बताते चलें, कस्बा मोदहा में बार बालाओं के डांस पर 13 साल पहले मायावती सरकार में इस तरह के प्रोग्राम में रोक लगाई गई थी, जिसकी झलक एक बार फिर से कोतवाली पुलिस के सामने देखने को मिली है। इस दौरान खूब अफरा तफरी देखने को मिली। दर्शकों ने डांस का लुफ्त उठाते हुए नोटों की बारिश की, तो कहीं दो घुट बार बालाओं को लेकर आपस में भिड़ गए। ऐसा भी नहीं है कि इन सब कार्यक्रमों से पुलिस अनजान नहीं थी। एक कार्यक्रम ठीक कोतवाली पुलिस के सामने हो रहा था। इस तरह के कार्यक्रम में मायावती सरकार ने लगाई थी रोक। दरअसल ऐसे कार्यक्रम में किसी न किसी तरह के उपद्रव होने की संभावना बनी रहती थी। बीते 2 सालों से ऐतिहासिक कंस मेला कोरोना की भेंट चढ़े। इस मेले में प्रशासनिक अफसरों ने बार बालाओं के डांस को देखते हुए भी अपनी आंखें बंद रखें, जिसकी वजह से रात भर कार्यक्रम चलता रहा। अश्लीलता परोसने वाले इस कार्यक्रम में ढेरों वीडियो हुए वायरल। बताते चलें कि 2018 में कंस वध मेले को लेकर 2 समुदायों के गुटों में आपसी तनाव हो गया था, जिसके चलते जमकर पत्थरबाजी हुई थी व पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज व आंसू गैस के गोले छोड़े गए थे। 2018 से सबक लेते हुए इस बार मोदा पुलिस ने विवादित स्थलों को बैरिकेडिंग बनाकर पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था को कंट्रोल में किया व शांतिपूर्वक कंस वध लीला यात्रा संपन्न हुई। रिपोर्टर रूपेश कुमार, लोकेशन मोदहा।